हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आलोक शुक्ला, आपके चैनल परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी पिछली क्लास में हमने देखा, बेसिक से स्टार्ट किया, टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय, ए और बी दो लोग आते थे, कितने समय में कार्य करते थे, फिर उनसे हम LCM लेकर टोटल वर्क निकालते थे, उनसे कार्य क्षमता निकालते थे, और ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें मालूम चल जाती थी। फिर हम सारा कुछ जो भी प्रश्न में पूछता था वो आसानी से निकाल लेते थे। लेक्चर के लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया गया था, बहुत सारे बच्चों का जवाब आया भी है। अभी देखते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जिनसे नहीं लगा है बता दे रहे हैं एक बार, फिर आगे हम प्रश्न के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 घंटा ज़्यादा लेता है, सॉरी 8 दिन ज़्यादा लेता है, और बी उसी काम को ए प्लस बी से कितना ज़्यादा ले रहा है, 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, और बी ए प्लस बी से किसी कार्य को करने में 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा ले रहा है। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जैसे स्ट्रक्चर पे आपको बताए थे वैसे ही करेंगे तो हो जाएगा। एक बार करते हैं इसे, फिर आएंगे कुछ अच्छे कॉन्क्लूजन पे। अगर हम ये मान लें कि ए और बी माना कि एक्स दिन में कार्य कर ले रहे हैं, तो अगर ये इससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है तो ये कितना ले लेगा, एक्स प्लस 8, और ये कितना ले लेगा, एक्स प्लस 2। बस आपका पहला काम क्या था, स्ट्रक्चर बनाना, ए कितने में, एक्स प्लस 8 में, बी कितने में, एक्स प्लस 2 में, इन दोनों का लास्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 बचेगा, इससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 8 बचेगा, फिर दोनों को 7 कार्य करना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x+10। अभी देखिए ए और बी दोनों के साथ की कार्य क्षमता कितनी है, 2x+10, और हमने ये पहले ही मान रखा है कि ये कितना दिन ले रहे हैं, x दिन ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि एफिशिएंसी बराबर वर्क इनटू टाइम होता है। अगर हम एफिशिएंसी को और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो टोटल वर्क और कुछ नहीं क्या है, ये है, यानी कि हम यहाँ पे रख सकते हैं एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या, 2x+8 कुल एफिशिएंसी इंटू उनके द्वारा लिया गया समय जो हमने x माना है। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² + 8x + 2x + 16, यहाँ पे क्या जाएगा, 2x² + 10x। देखिए 10x और ये 2x और 8x मिलके क्या हो जाए, कट जाएंगे, ये x² इधर जाएगा तो क्या बचेगा, x², यानी हम बोल सकते हैं x² = 16, तो x = √16, तो क्या आ जाएगा, 4 आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए दिख ना रहा हो, तो x = 4 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों मिलके कितने समय में कार्य कर लेंगे, 4 दिन में कार्य कर लेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा सा भी यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हर बार यही करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा एक जनरलाइज इसमें लेके जाता हूँ, इस तरफ का दे रहा हूँ, जिसे ना समझ में आया हो दोबारा बैक करके देख लेंगे। आते हैं, अभी आपके पास मान लीजिए कंडीशन ये है कि ए बोल रहा है कि कोई ए है जो ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से ए दिन ज़्यादा ले रहा है, और बी है जो ए प्लस बी से के द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में से ज़्यादा बी घंटे या बी दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ए प्लस बी कितना समय लेगा। आप अभी इससे क्या कर लिए, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हमेशा इसका उत्तर a इंटू बी होगा, अंडर रूट में a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय का उत्तर क्या होगा, अंडर रूट ए बी। अगर वो a दिन ज्यादा ले रहा है, b दिन ज्यादा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। अभी पिछले क्वेश्चन में आए तो a कितना समय ज्यादा ले रहा था, 8, b कितना ज्यादा ले रहा था, 2, अगर इसे रख दे तो 8 × 2 = 16। एक बार देखते हैं ये आया कैसे, जनरलाइज ऐसे कैसे कर ले रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ गलत है, देख लेते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर पे रखें जनरलाइज्ड में, जैसे अभी हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया था, तो ये x प्लस ए, ये x प्लस बी, जल्दी से इसे करेंगे तो ये x प्लस ए इंटू x प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस बी बचेगा, यहाँ पे x प्लस ए बचेगा, जब डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2x इंटू ए प्लस बी। हमने मान लिया है ये x क्या है, a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय मान लिया हमने, ठीक। अभी फिर से टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा 2x + a + b इंटू कितना समय माने हैं,
एक्स। अभी इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स ये देखिए यहाँ से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे केवल ए बी बचेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये यही रिजल्ट है और कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कुछ मत करो, तुरंत एक सेकेंड में अंडर रूट ए बी ले लो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में या राज्य सरकार में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी या राज्य सरकार के अभी जो यूपीएसआई में होने वाला है, इन दोनों को एग्जाम कराने वाला वेंडर सेम है, टीसीएस है, और टीसीएस ही एसएससी वगैरह का भी एग्जाम कराता है। जब कोई एक ही वेंडर एग्जाम करा रहा होता है तो ये चांसेस बन जाते हैं कि जो किसी और प्रश्न में, वो भले केंद्र लेवल पे हो या राज्य लेवल पे हो, वहाँ के क्वेश्चन या वहाँ के टाइप को रिपीट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से जब वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, इजी भी दे रहा है, टफ भी दे रहा है, तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि कल को आपको इसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहो, ऐसा ना हो कि आपको लगे ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। क्या होता है ना, आप कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होते हो। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी के लोअर में रीजनिंग का जो क्यूब वाला क्वेश्चन था, डाइस वाला क्वेश्चन था, वो एकदम नए पैटर्न पे था बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि ये गलत है। ऐसा नहीं है, प्रश्न गलत नहीं होते। हमारी ये थोड़ा नजरिया बन गया है कि जो हमसे नहीं लगा वो प्रश्न गलत है, एकदम ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी हो, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अभी सीखना बाकी है। चलिए इस पर ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक कल तक की क्लास में हमने देखा, जो पिछला क्लास था आपका टाइम एंड वर्क का वीडियो नंबर वन, जो अभी तक नहीं देखे हों या जो नए बच्चे आए हों उनसे मैं पहले बोलूँगा कि जाके पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आएँ, वरना आधे से देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत तेज़ है तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए भी रहेगा। तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि ए होता था वो 10 दिन में कर रहा था, बी होता था वो 15 दिन में कर रहा था, दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेते थे, ये 3 ये 2 दोनों 5 आता था, तो 30/5 हमारा क्या आ जाता था, उत्तर आ जाता था। अभी एक बार जब आप सीख गए हो तो इतना ही समय लेने वाला है, जितना देर मुझे लिखने में समय लगा उतना ही आपको लगने वाला है। थोड़ी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग रही तो आप इससे भी कम समय लोगे, और किसी भी परीक्षा में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप को पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको सारे क्वेश्चन को विद इन टाइम करना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन को कितना टाइम मिलता है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसके लेवल को हम सॉरी कोई और आ जाए, सी आ जाए, है ना। अभी केवल दो लोग हैं, हम किसी एक और को लेके आते हैं, वो मान लो 20 दिन में कार्य करता है। बस अभी तक क्वेश्चन था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक सी भी है जो उसी कार्य को अकेले करे तो 20 दिन में कर सकता है। तो अगर ये आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, देखिए करना क्या होता है हमें, अभी भी काम वही करना है। अभी तक 2 का एलसीएम लेते थे, अभी 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। सबको जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, उत्तर क्या जाएगा, 60/13, यानी कि 13×52 और 8/13 सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, केवल बदला क्या है, डिजिट बदली है। देख लेते हैं, जो बदलेगा हम उसी की बात करेंगे। केवल कह रहा है कि ए 12 दिन में कर ले रहा है, बी 24 दिन में कर ले रहा है, और सी 36 दिन में कर ले रहा है।
कुछ अलग नहीं करना है, बस इनका एलसीएम बदलेगा। 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 72, 72। बड़े वाला का पारा पढ़ना शुरू कर दो, 36 एकम 36, ये तो काट देगा बट ये नहीं काट पाएगा, तो 36 दुना 72, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। 12 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 24 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 36 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो क्या आएगा? 6 3 9 2 11, यही आ जाएगा, 6 3 9 2 11। यानी कि आपका कुल समय कितना लेगा? 72 बटे 11, तो आ जाएगा 11 6 66, यानी 6 हो जाएगा पूरा, और कितना बचेगा? 6 बटे 11। 6 सही 6 बटे 11 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक एक लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, अभी तक जब तक केवल ए और बी था, मैं इसी क्वेश्चन में सब आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये 12 दिन होता, ये केवल 24 दिन होता, तो इसका क्या लगता है? एलसीएम 24 आता। ये 12 दुना 24 और ये 1, दोनों का 7 कर रहे होते तो एलसीएम टोटल, सॉरी दोनों का एफिशिएंसी 3 आता, तो 24 बटे 3 कितना समय ले रहे होते? 8 ले रहे होते। इसमें कंडीशन ये बन रही होती कि ए दिया होता 12 दिन में और ए प्लस बी दोनों मिलके 8 दिन में दिया होता, तो आपसे केवल ये पूछ लेता कि बी अकेले कितने दिन में कार्य कर लेगा। ए का दिया है, दोनों 7 का दिया है, जैसे अभी पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, रोहित करता है और अपने पिता के साथ करता है, ठीक वैसा क्वेश्चन। ए है और ए प्लस बी है, बी का पूछ रहा है, तो बस और कुछ नहीं, 12 और 8 का एलसीएम अभी कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24 अभी भी आएगा, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो भी दिया हो आपको उसका बस एलसीएम ले लेना है, स्ट्रक्चर बनाना है, एलसीएम ले लेना है, वहां से टोटल वर्क निकालना है और उसकी मदद से आपको कार्य क्षमता निकालना है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अभी देखिए, ये जो 3 कार्य क्षमता है ये ए और बी दोनों की मिलकी है, लेकिन चाहिए किसका हमें? बी का चाहिए। तो अगर दो लोग मिलके एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जिसमें ए अकेला 2 कार्य करता है, तो बी कितना किया? 1 कार्य करेगा कि नहीं करेगा? यानी 3 - 2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या? बी का कार्य क्षमता। अब आपसे पूछा बी कितना समय लेगा, तो भाई अगर बी एक दिन में 1 कार्य करता है और 24 कार्य है उसे करने के लिए, तो कितना समय लेगा? 24 बटे 1, यानी उसे 24 दिन लग जाएंगे। ऐसा था, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे बी का दिया होता और ए प्लस बी का दिया होता, तो यहाँ पे क्या पूछता आपसे? ए का पूछता। अभी भी करने का तरीका सेम होता, उत्तर भी सेम होता, केवल बस वहां पे बी था तो यहाँ पे ए हो गया है। ठीक ऐसे अगर इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पे भी कंडीशंस बन सकते हैं। कंडीशन कैसे बन सकता है, थोड़ी आसान ले लेते हैं जी। अभी पहला कंडीशन तो यही हो गया कि मान लो ए 10 दिन में कर ले रहा है, बी 12 दिन में कर ले रहा है, सी 15 दिन में कर ले रहा है, ऐसा आ जाए। तो अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना समय लेंगे? 10 12 15 का एलसीएम 60, ये 6 ये 5 और ये 4, कितना आ जाएगा? सबका अगर हम जोड़ लेंगे तो कुल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 4 10 5 15, तीनों द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 60 बटे 15 बराबर क्या आ जाएगा? 4। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। वो ऐसा भी दे सकता था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, समझिएगा बात को, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और यहाँ पे सी का ना दे के वो सीधा दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे, तो आपसे ये पूछ ले आखिर सी अकेला कितने दिन में कर ले, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? अभी देखिए, क्योंकि ये चेंज हो गया है तो इस बार आपका सब कुछ चेंज होगा इसके हिसाब से, क्योंकि आपको एलसीएम तो इसी का लेना है, जो बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 12 एकम 12, 12 दुना 24, ये तो काट देगा ये नहीं काटेगा, 12 तिहाई 36, ये काट देगा ये नहीं काटेगा, 12 चौक 48 नहीं काटेगा, 12 पंचे 60, 60 पे ऐसा होगा जो सभी काट देंगे, यानी कि अभी भी जो कुल कार्य किया जाना है वो कितना आएगा? 60 आएगा। कहने का मतलब लासा आपका क्या आएगा? 60 आएगा। तो अगर ये 60 आएगा तो इसके सामने क्या आएगा? 60 बटे 10 6, यहाँ पे क्या आएगा? 60 बटे 12 5, यहाँ पे क्या आएगा? 60 बटे 4 15, है ना, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। क्लियर? अभी समझिएगा, वो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना निकल के आया? 15, और पूछ क्या रहा है कि सी कितने समय में अकेला कार्य कर लेगा, तो उसके लिए आपको सी का कार्य क्षमता मालूम होना चाहिए कि नहीं? मालूम होना चाहिए। तो अगर सी की कार्य क्षमता मालूम होना चाहिए तो मालूम कहाँ से करोगे? उसके लिए भी आपका यहीं पे है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? अगर तीनों मिलके 15 कार्य करते हैं, जिसमें ए 6 करता है, बी 5 करता है, तो सी कितना करेगा? हम सीधा क्या कर लेंगे? 15 - 6 + 5, यानी कि 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा।
तो सी अकेले की कार्य क्षमता 4 है, उसे कार्य करना है 60, तो 60/4 क्या आ जाएगा, 15 आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन दे, इतनी इंफॉर्मेशन दे और वो आपसे ये पूछ ले कि आखिर ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तब तो स्ट्रेट हो जाएगा सीधा 6 × 5 = 11, 60/11, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपसे पूछे ए प्लस सी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो क्योंकि अब आपको सी की कार्य क्षमता मालूम चल गई है कितना है, 4 है, ये देखिए, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, तो दोनों की मिलके कितनी हो जाएगी, 6 + 4 यानी कि 10। तो दोनों ए और सी के मिलके कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10, कार्य किया जाना है 60, तो कितना समय ले लेंगे, 6 दिन। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, बताते रहिए कि क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है ना। फिर अभी मान लो इसमें एक कंडीशन दूसरा बन जाए कि ये ए की जगह नहीं, वो बोले बी और सी मिलके कितने दिन में कार्य कर लेंगे, तो जब हम ए की पूछ रहा था तो ए की जोड़ रहे थे, बी की पूछेगा तो हम यहाँ पे बी की जोड़ देंगे। बात क्लियर है? कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कार्य कितना किया जाना है, 60, कार्य क्षमता कुल कितनी है, 9, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 60/9। अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 20/3, है ना, और अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना जाएगा, 3 × 6 = 18, 2/3, ये आपका हो जाएगा उत्तर, किसका, बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय का। तो अगर वो 3 का दे रहा है तो कुछ भी कंडीशन बना रहा है, ए दे के, बी दे के, ए प्लस बी प्लस सी दे के, सी का केवल पूछ सकता है, ए प्लस सी का पूछ सकता है, बी प्लस सी का पूछ सकता है, या ऐसा भी दे सकता है ए का दिया हो, ए प्लस बी का दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी का दिया हो, सी का केवल पूछ सकता है, बी का केवल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, या ए प्लस सी का पूछ सकता है, लेकिन सब कुछ आपका यहीं से निकल के आ जाएगा, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा कहाँ पे दिमाग अलग लगाना है एक बार हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको। क्या कह रहा है, ए प्लस बी, मैंने बोला कंडीशन कुछ भी दे सकता है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, वो पूछ रहे हैं कि सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। क्लियर है? अभी देखिए इससे अकेला कितने दिन में कर लेगा, इससे पहले अगर हम एक चीज आपसे ये बोल देते कि तीनों मिलके कितने दिन में कार्य कर लेंगे, इसे निकालिए तो क्या होता। अभी देखते हैं इसी में। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10, 15, 20 आपको भी याद हो गया होगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, सेम डिजिट पूछ लेते हैं एग्जाम में, उसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे ये जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करवाता, कुछ ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाएगा, कैलकुलेशन भी आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट आपको जो दिया जाएगा उससे आप करते रहोगे, यहाँ पे हम आसान डिजिट पे करते चले आ रहे हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा, यहाँ पे 6, ये 15 × 6 = 60, ये 20 × 3 = 60, अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। देखिए एवं करते हैं 6 × 4 = 10, 3 = 13, तुरंत बच्चे क्या करेंगे, 60/13, उत्तर क्या आ जाएगा, 13 × 52 = 8/13। अभी से पहले भी क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, एक बार इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कार्य क्षमता जोड़ रहे होते हैं 6, 4, 10, 3, 13, तो इधर ही नहीं, हम इनकी कार्य क्षमता जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की, तो हम ऐसे बोलेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना, 13। लेकिन यहाँ पे 2a है, 2b है और 2c है, तो ऐसे हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 13। अभी समझिएगा, तीनों मिलके अगर हम माने कि एक टीम है तो ऐसी कितने टीमें हैं, 2 टीमें हैं, तो अगर ऐसी 2 टीमें मिलके 13 एफिशिएंसी है तो अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13/2।
बात क्लियर है? तो उत्तर आपका बदल जाएगा, यानी कि अभी कुल कार्य किया जाना है 60 और कुल कार्य क्षमता है 13/2, तो उत्तर आ जाएगा 60×2/13। क्लियर? ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, या अभी जो इससे पहले उत्तर आया था 4 सही 8/13, इसी में हम 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, सी अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था आपसे कि सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, उसके लिए अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का मालूम हो तो हमें सी का आसानी से निकल आएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई, 13/2 आई कि नहीं आई, आई। अभी हम जब 2 से डिवाइड किए तो सी अकेले की कितनी होगी भाई, यहाँ पे तीनों मिलके 13/2 कार्य करते हैं और a प्लस बी अकेले मिलके 6 कार्य करते हैं, तो हम अगर इस 13/2 में से 6 माइनस कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि बस c का निकालने के लिए 13/2 - 6 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 1/2, यानी c अकेले की कार्य क्षमता आधी है, 1/2 है, कार्य किया जाना है 60, तो 60/1/2 यानी 60×2 यानी कि क्या आ जाएगा, 120 दिन। इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होगा, 120 होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है, क्या करना है देखते हैं। कह रहा है बी प्लस सी कितने दिन में कर ले रहे हैं, 12 दिन में कर ले रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, सी प्लस ए कितने दिन में कर ले रहे हैं, 8 दिन में कर ले रहे हैं। तो तीनों मिलके, इस बार इसने प्रश्न में दे दिया तीनों मिलके, मैंने बोला कंडीशन कुछ भी बना सकता है वो, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 ही दिन में कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम लिखेंगे, दूसरा काम हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीसरा काम हम इसका एलसीएम लेंगे। 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 का 12 पढ़ना शुरू कर दीजिए साथ साथ में, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 को दोनों काटेंगे काट देंगे, तो 24 ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। क्लियर? अभी देखिए तीनों की मिलके कार्य क्षमता है 4, और वो चाह क्या आ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, उसे ए प्लस बी की जरूरत है कितने दिन में करेंगे। तो अगर आपको तीनों का मालूम है और बी प्लस सी का मालूम है, अगर तीनों में से बी प्लस सी का माइनस कर देंगे तो हमें केवल ए की पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी भाई, तीनों में से इसे माइनस कर देंगे तो इसे माइनस कर देंगे तो ये ए का केवल पता चल जाएगा, तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, साथ साथ देखिएगा 2 यहाँ पे। फिर अगर तीनों में से C और A मालूम है, ये और ये मालूम है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, B पता चल जाएगा। यानी 4 में से ही अगर हम C और A का माइनस कर देंगे, 4 - 3, तो कितना पता चल जाएगा, 1, और ये किसकी हो जाएगी, B की कार्य क्षमता हो जाएगी। अब आपको A की कार्य क्षमता पता चल गई है, B की कार्य क्षमता पता चल गई है, पूछ रहा है दोनों मिलके कितना करेंगे, तो A अकेला एक यूनिट वर्क में, एक यूनिट टाइम में कितना कार्य कर रहा है, 2। बी एक यूनिट टाइम में कितना कर रहा है, 1। दोनों मिलके कितना करेंगे, 3। यानी कुल कार्य अगर ये 3 करेंगे एक यूनिट टाइम में, तो कार्य किया जाना है 24, कुल कार्य क्षमता है 3, उत्तर क्या आ जाएगा, 8। 8 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब ये इन क्वेश्चन का लेवल आ जाता है, बच्चे नहीं देखे होते तो बोलते हैं यार थोड़ा टफ पूछ लिया है, लेकिन कायदे से आपका कोई भी प्रश्न हो लगभग समय आपका वही जाना है। डिपेंड क्या करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कैसे, कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो वो भी बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो वो भी बताइएगा। और दूसरी बात, कॉपी पेन लेके आप पढ़ा करिए, ऐसे सो के मत पढ़ा करिए वरना सब उड़ जाएगा, मेरा पढ़ाना बेकार आपका पढ़ना बेकार। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समय नहीं बर्बाद करते हैं ज्यादा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में, तथा सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे कह रहा है वे तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अभी जस्ट अभी इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि जब फ्रैक्शनल वर्क होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट वर्क में बदलते हैं। इसमें भी वही करना है,
कुछ अलग सा नहीं करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बटे दो भाग ए जो है कितने दिन में कर ले रहा है, 5 दिन में कर ले रहा है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में कर ले रहा है। आगे बोल रहा है कि सी उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में कर ले रहा है, 8 दिन में कर ले रहा है। तो तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे ये दिया है। भाई 1/2 अगर 5 दिन में, तो 1 यूनिट का यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऐसे 3/5 9 दिन में, तो यहाँ पे कैसे करोगे, 5/3 से, यहाँ पे 5/3 से, तो 3 3 9 ये कट जाएगा, कितना आएगा 15 दिन में। 2/3 तो यहाँ पे भी 3/2 से करोगे एक बनाने के लिए, यहाँ भी 3/2 से करोगे तो 2 चौक यहाँ का आ जाएगा 12 दिन में। यानी फिर से आपका प्रश्न वही बन गया, क्या बन गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, सी उसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। बस 10 15 12 का एलसीएम 60, ये 6, ये 4, ये 5, 6 4 10 5 15, टोटल क्या हो जाएगा 60/15, यानी कि 4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आसान है, ये भी आसान है, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क आपको और करवा रहा है, लेकिन फाइनली आपको यही करना है, आपका उत्तर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका स्क्रीन पे है, पढ़िए। ए बी और सी कि कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, 2:2 के अनुपात 3:4 है। फिर बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो अभी ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम के वर्क, टाइम का रेशियो जो होता है वो इनवर्स होता है। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 2:3:4, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का बस रेशियो तो पूछ रहा है, केवल रेशियो पूछ रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा 1/2, 1/3, 1/4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना, 2 को छोड़ के बाकी को गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 3 चौक 12। ऐसे भी 3 को छोड़ के दोनों का बाकी का गुणा कर लीजिए 8। ऐसे अभी 4 को छोड़ के बाकी का गुणा कर लीजिए 6। तो 12 8 6, 2 सब में कॉमन है, क्या हो जाएगा 6 4 3, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, टाइम का रेशियो। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा क्या हो जाता है, 6:4:3। देखिए एक गलती मत करिएगा आप लोग, क्यों कुछ बच्चे क्या होते हैं इसे उल्टा करने के चक्कर में 2:3:4 लिखा होता है वो 4:3:2 कर देते हैं, ये गलत है, ऐसे उल्टा नहीं होता है, रेसिप्रोकल मतलब उसके नीचे आएगा। फिर आप बोलोगे हमने जब ए और बी का दिया हुआ था तो ये 2:3 दिया हुआ था, हमने 3:2 आराम से कर लिए थे, कैसे कर लिए थे, क्यों कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 आइट थी, ये 1/2 करोगे, 1/3 करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे, इनका एलसीएम लेके 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। तो 2 में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब 3 का होगा तो आप इस तरीके से किया करना, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में जितनी कम गलतियां आप करेंगे आप लक्ष्य के उतना ही करीब चलते चले जाएंगे। सिलेक्शन का तरीका यही नहीं होता कि आप कितना क्वेश्चन करके चले आए, आप कम ही करो लेकिन आप एक्यूरेसी बनाए रहो। आप 120 150 का पेपर हो रहा है, 120 करो लेकिन उसमें 115 116 से ज़्यादा सही होने चाहिए, 3 ही 4 गलतियाँ करो। आप 140 45 करके आओ, 30 गलत करके आओ, क्या फ़ायदा है, आप और निगेटिव भी जाओगे। तो कम करो लेकिन सही करो, इससे आपके दो फायदा है। देखिए 150 क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछे जाने हैं, 120 मिनट आपको मिलता है लगभग, है ना, एक क्वेश्चन को कितना समय मिला, लगभग 0.43 0.45 ऐसे ही मिला, सेकंड मिला। लेकिन अभी आपका टारगेट केवल 120 क्वेश्चन सही करने का हो तो हर क्वेश्चन को कितना मिल गया, 1 मिनट 60 सेकंड मिल गया, इससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समय भी ज़्यादा दे सकते हो, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, तो ज़्यादा ही नंबर आपका आने वाला है, कम नहीं आएगा। आपका सिलेक्शन का तरीका ये भी होना चाहिए कि गलतियां कम से कम करो, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं, यही कारण है दिक्कत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रमशः 5 दिनों 6 दिनों तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर एक काम को 78,000 में ठेके पर पूरा किया, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना होगा। एक बार समझिएगा, अगर 2 या 3 लोग किसी कार्य को करने के लिए पैसा लेते हैं
तो उनके बीच में जो रुपया का विभाजन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो पे होगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम लगा हुआ है और आपके यहाँ 2-3 मजदूर है काम करने के लिए। अब जब शाम को हाँ, तो अगर इस प्रश्न को करें तो वो बोल रहा है कि भाई कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिन में, 6 दिन में, मैं रफ कर ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन तब तक देखते रहिए। हाँ, ए कितने दिन में कर ले रहा है, 5 दिन में कर ले रहा है, बी कितने दिन में कर ले रहा है, 6 दिन में कर ले रहा है, और सी 15 दिन में। अभी जो रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इन्हें पैसे मिलेंगे वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, अभी मैंने बताया कि टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर टाइम वो 5 दिन, 6 दिन और 15 दिन ले रहे हैं तो उनका कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/5, 1/6, 1/15। यानी कि अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 को छोड़ के इसे मल्टीप्लाई करो 6 × 15, 6 को छोड़ के इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 5 × 15, और 15 को छोड़ के इन्हें करो तो 5 × 6। 5 सम्वयव कॉमन है यहाँ यहाँ और 3। अभी 3 भी सम्वयव कॉमन है, 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 × 15, 3 × 6। तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। यानी कि ये आपका टाइम का रेशियो था और ये आपका क्या जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो उनको जो रुपए मिलेंगे वो इसी हिसाब से मिलेंगे। टोटल कितना रुपया मिला है, 78,000। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो 6, 5, 11 और 2, 13। आपके हिसाब से 13 मिल रहा है, प्रश्न के हिसाब से 78,000 मिल रहा है। तो 13 = 78,000, तो 1 = 13, 6 = 78, यानी कि क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। पूछ किसका रहा है, वो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम होगा। भाई ये सी है और ये ए है, ये ए बी सी का दिया हुआ था, ये सी है ये ए है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है, 4 रेशियो कम है। तो 1 = 6,000, तो 4 = कितना आ जाएगा, 6,000 × 4, यानी कि 24,000। ये आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो वो लेवल भले बढ़ा रहा है लेकिन हम इसको रेशियो पोर्शन से कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है, उसके लिए घबराना नहीं है। जब जब क्वेश्चन का सेंटेंस बड़ा होता है तब तक समझ जाइए कि उसमें कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा अच्छा यूज कर लिए तो वो बाकी क्वेश्चन से और जल्दी आसानी से लग जाता है। और खासकर मैं TCS की थोड़ी मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको, जब वो क्वेश्चन बहुत छोटे में करे दे आपको 1-2 लाइन में, तो आप समझ जाइएगा कि वो थोड़ा आपसे कैलकुलेशन पूछना चाह रहा है। और जब उसके क्वेश्चन का सेंटेंस 3-4 लाइन चला जाए तब आप समझ जाइए कि वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं कराएगा। तो अगर ये माइंड मेकअप आप पहले से कर लेंगे तो एक नजरिया बदल जाता है क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करने से, तो गलतियां करने का चांसेस आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो चलिए इस क्लास को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं फिनिश करेंगे, इससे पहले आपको फिर से एक क्वेश्चन देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप लोग प्रयास करिए, पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे दिए थे, इस बार भी आप लोग प्रयास करिए, सेम क्वेश्चन होगा लेकिन सबसे लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैं बोल भी दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे दूंगा आपको, आसान हो जाएगा। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 1 घंटे ज्यादा समय लेता है। फिर कह रहा है सी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, तो ए प्लस बी इस काम को कितने समय में करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, आप ऐसे करिएगा घर में बैठ के बहुत इत्मीनान से थोड़ा समय निकाल के। हिंट में फिर से दे रहा हूँ कि जैसे पिछला क्वेश्चन आप किए थे समझाए थे वैसे ही ये भी होगा। बोल रहा है कि ए जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 6 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। बी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 1 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का कितना ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है, 2 गुना ज्यादा नहीं 2 गुना ले रहा है। पूछ रहा है कि ए प्लस बी अकेले इस कार्य को कितना समय में कर लेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करिए, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपका अगला वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, बेल आइकन भी साथ में दबा लिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे। जैसे ही पूरी जो सीरीज है एक कॉन्टिन्यूड वे में चलेगी, हर क्लास का मॉड्यूल मैंने बता दिया है कि 0 से स्टार्ट होगा, एडवांस लेवल पे जाएगा। हम हर क्लास में कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। इसमें क्या होगा, जो बेसिक वाले बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता उनका तो सब कुछ आएगा ही आएगा, प्लस ऐसे बच्चे जिन्हें
थोड़ी बहुत तैयारी है उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्कोर और बढ़ाएगा, रैंक लिस्ट में उनको और ऊपर ले जाएगा और उनका सिलेक्शन पक्का करेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।